चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकीलों ने शुक्रवार को उनके एक साथी का पुलिस द्वारा ओवर स्पीड का चलान करने को लेकर प्रदर्शन करते हुए सुखना लेक से लेकर रोज गार्डन तक मुख्य सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। इस बात की सूचना पाकर तुरंत मौके पर एसपी क्राइम वनीत कुमार, डीएसपी सेंट्रल कृष्ण कुमार, डीएसपी ट्रैफिक एसपीएस सोधी, सेक्टर 3 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज सरना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा गुस्साए वकीलों समझा बुझाकर चलान को रद्द करने के आश्वासन देकर किसी तरह से शांत किया गया। इस दौरान दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहन चालकों सहित सुखना लेक व रोज गार्डन में आए पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके से जानकारी मुताबिक दोनों तरफ से आने जाने वाले लोग करीब 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। गलतियां की हैं, 17 से कोर्ट उठा के ले गए आज से 4 साल पहले 43 में। इन्होंने अभी तक मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाई, मल्टी लेवल पार्किंग के बिना वो बिल्डिंग अलो कैसे कर दी, ये अपने गवर्नर से सवाल पूछना मेरे लिए, मेरे को जवाब चाहिए। जिस दिन वहाँ पर कोर्ट पहले दिन लगा, पूरा चंडीगढ़ और बस अड्डे वाला 47 सेक्टर चक्का जाम हो गया। पनीत जी मैं बोल रहा हूँ, आपने कुछ मैं ये कह रहा हूँ, ये जो गलत पॉलिसियां बनाते हैं ऊपर बैठकर, उनको ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जितनी भी ऐसे पब्लिक इशू हैं उनको संवेदनशील तरीके से उसको हल करने की क्षमता रखें, वरना चलान कटवाना रुकवाना हमें सब आता है, हम इसको मैं सुबह 16 सेक्टर से आता हूँ 11 और 10 की रोड के ऊपर पूरा फॉलो करता हूं कि मेरा स्पीडोमीटर 55 से ऊपर ना जाए। सब सरकारी गाड़ियां लाल बत्तियों वाली मेरे को टेक ओवर करती हैं 65 70 और 75 की स्पीड में। मैंने कभी भी नहीं होता। आप मेरे को पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड ईमानदारी से चेक करके बताएं कितनी सरकारी गाड़ियों को आपने उस रोड पर चलान किया है। मैं वहाँ पर चलो ऑफिसर की गाड़ी आप आगे से अगर आप मेरे साथ रिकॉर्ड के तौर पर आप मेरे साथ कल आगे खड़े हो जाइए, आप कम से कम 50 गाड़ी आइडेंटिफाई कर देंगे जिनको आप भी जरूरत नहीं करेंगे चलान करने की। एमरजेंसी व्हीकल नहीं है, एमरजेंसी व्हीकल इज ऑथराइज्ड टू क्रॉस all the limits of traffic rules, they are not emergency vehicles, they are not fire vehicles, they are not police vehicles, they are not ambulances, they are just passing through as we are passing through the road. आप बोलिए आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं जो आपका मल्टी लेवल पार्किंग का इशू है दैट इज अ पॉलिसी मैटर, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं बट आपकी बात मैंने सुन ली है और आई विल कन्वे टू देम और हम अपनी तरफ से भी एक लेटर लिखेंगे क्योंकि मैं मेरी कल सीजीएम साहब से भी मीटिंग है वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग के लेके, तो जो आपके इश्यूज है मैं वापस जाकर बिल्कुल डिस्कस करूँगा। जहाँ तक कि आप सरकारी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, देखिए चंडीगढ़ पुलिस का ये हमेशा से खासतौर से ट्रैफिक पुलिस का ये रहा है कि हम कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते कि गाड़ी किस चीज़ की है। हमारे लिए कोई भी अगर वायलेशन करता है तो वह, मेरे पास अभी डेटा तो नहीं हुआ कि हमने कितनी सरकारी गाड़ियों को चलान किया है, बट हम सरकारी गाड़ी का चलान भी करते हैं। चलान लिखने के साथ साथ हम ये भी करते हैं कि हम जो उनकी अथॉरिटी होती है उनको एक लेटर भी भेजते हैं कि वो सिर्फ मतलब एक चलान भर के सिर्फ वो ना हो, जो ड्राइवर चला रहा है या जो उसका वायलेशन कर रहा है सरकारी, उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो। इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ चलान कर रहे हैं सरकारी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों को हम लेटर भी लिख के भेज रहे हैं और वो अगर आपको डेटा चाहिए मैं ऑफिस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सस्पेंड करना मेरे, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैं सिर्फ एक लेटर लिख के मैं सारी अथॉरिटीज को सिर्फ अवेयर करवा सकता हूँ, डिपार्टमेंटल एक्शन लेना उनके ऊपर है, बट हम हमारी तरफ से सारे लेटर जाते हैं, हम सीटीयू को भी लेटर भेजते हैं। बाकी छोड़ दिए, इस बात का ही जवाब दे दीजिए जो आज बिना रडार के चलान किया है उसका क्या जवाब है, वो क्या हरासमेंट नहीं है? बिना स्पीड गन के कोई चलान नहीं होता, बिना स्पीड गन के चलान किया तो आप दिखाओगे तो सही। मेरी बात सुनिए। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।